Assalamualaikum and a very warm welcome to the platform of one and incredible women of Pakistan. My today's guest is Laiba Faryad. Laiba ek bahut hi intellectual kaam kar rahi hai. She is the founder and CEO of Digital Souls. Sounds interesting. जब मैंने ये नाम सुना तो मेरे जहन में आया कि कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो है, लेकिन जो उसका बिल्कुल ही साथ वाला वर्ड था सोल्स, दैट एक्चुअली हेल्ड माई अटेंशन एंड आई वॉज वेरी क्यूरियोटिक टू टॉक टू हर अबाउट कि ये क्या है. तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये क्या है और इतना इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि ये लोगों की अट्रैक्शन होल्ड किए हुए. अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? अच्छा लाइबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, सीईओ ऑफ डिजिटल सोल्स, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक बड़ी कोई मतलब कोई क्या कहना चाहिए, एक खातून आएंगी मुझसे मिलने के लिए एंड ऑल दैट. आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड टू सी यू एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन सच अ डिजिटलाइजेशन एंड यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी विच इज़ द नीड ऑफ द आवर. सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड? सो बेसिकली ये मेरे फादर का बिजनेस था जो कि हम बाहर डिफरेंट आउटसोर्स करते थे टीम्स के साथ. बहुत अच्छी टीम्स थी जो कि ब्रांड्स के साथ काम कर रही थी, लेकिन वो उस तरह से वर्क नहीं कर रही थी जिस तरह से प्रॉपरली उनको करना चाहिए. एक टीम को अगर आप पे कर रहे हो, आप उसका ले रहे हो, तो आपको उस तरह से काम भी करना चाहिए जिस तरह से आप उसके लिए वर्क कर रहे हो. बिल्कुल. सो हमने देखा कि हमारा बिजनेस जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो गया और उसकी मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं है, और एक जो बिज़नेस होता है वो बूस्ट ही मार्केटिंग के थ्रू करता है. तो मैंने इसको डिप्लोमास करना शुरू किए, डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज और यूट्यूब. एंड हाउ डिड यू रियलाइज दैट? क्या घर पे खाने की टेबल पे ऐसी बात होती है? नॉर्मली चिल्ड्रन दे नॉट अवेयर ऑफ के बिजनेस कैसा जा रहा है, क्या हो रहा है. नॉर्मली एक यही एक सोच होती है. तो आई रियली अप्रिशिएट योर पेरेंट्स एज वेल कि जिन्होंने बच्चों को, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं उनका तो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उन्होंने इस चीज़ में इन्वॉल्व किया. उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया, बेसिकली मेरे फादर इज अ बैकबोन टू मी. उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया इस चीज़ में कि उन्होंने कहा कि मैं आपको एक प्रॉपर बिजनेस बना देता हूँ इसको. जब मैंने देखा कि ये डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, मैंने सीखना शुरू किया इसको आहिस्ता आहिस्ता. जब मैंने सीख लिया तो मैंने अपने अंडर टीम हायर कर ली जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स थे, SEO एक्सपर्ट्स थे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट थे, और जब मैंने उन्हें हायर किया, मुझे काम आता था तो मैं अपनी टीम से करवा सकती थी. सो फर्स्ट 2 to 3 months मैंने अपने प्रोजेक्ट को दिए, अपने फादर के प्रोजेक्ट को दिए, उसको बूस्ट किया, उसकी सेल्स को बूस्ट किया, उसको दोबारा उस जगह पे ले गया जहाँ से वो डाउनफॉल आया था. What were the feelings of your father at that time? He was being so a parent, I would love to listen to it. And he is so happy. और उनको बहुत प्राउड है कि उनकी बेटी ये सब कुछ कर रही है. Do you have your brother? Do you have a brother? Yes, I have my brother and he is in Dubai. After that, हमने एक दुबई में अपनी जो है वो सेटअप लगाया, मल्टीबुक हमारे ब्रांड का नाम था जिसको मैंने टेक ओवर किया, जिसके थ्रू मैंने डिजिटल मार्केटिंग में स्टेप लिया. ठीक है, उसके बाद हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया पाकिस्तान में ही, उसी का ही, मल्टीवुड का ही, और उसके बाद हम उसको दुबई में लेके गए. वहाँ पे यूएई में हमने बाद में मुझे नेशनली प्रोजेक्ट्स भी मिलना शुरू हुए वहाँ से. इंटरनेशनली हम यूएई में भी कर रहे हैं डिजिटल सोल्स को, वहाँ के प्रोजेक्ट्स भी हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं ताकि लोगों की सेल्स बूस्ट कर सकें. पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो हम उनको बताते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, उनको गाइड करते हैं उसके बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे वर्क कर सकते हो. अच्छा लाइबा, चूंकि यू आर वेरी राइट कि पीपल आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ दिस कि हम इस चीज़ को आउटसोर्स करके किसी के थ्रू भी अपने आप को चैनलाइज कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग को या अपने बिजनेस को बूस्ट दे सकते हैं. जब आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो आप लोगों का नॉर्मली क्या रिस्पॉन्स होता है? आई मीन वो आपका क्या कन्विंसिंग पॉइंट होता है कि वो आपकी इस चीज़ इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं? तो ये होता है कि वो उनको नहीं आइडिया नहीं होता कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग. फिर हम उनको बताते हैं कि ऑनलाइन हम आपकी सेल्स बूस्ट कैसे करेंगे. हम उनको इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि हम बैठे हैं, अगर हम आपका सोशल मीडिया कर रहे हैं, अगर हम आपकी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपको गारंटीड रिजल्ट्स देंगे. और जब गारंटीड रिजल्ट्स की बात आती है तो दिस इज़ द एक्चुअली की यू एक्चुअली अनलॉक एवरीथिंग. तो उसके बाद हम उनको कन्वेंस करते हैं इस चीज़ पे कि उनको बताते हैं प्रॉपर एक एक चीज़ के बारे में गाइड करते हैं कि अगर SEO है तो उसके थ्रू आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप रैंकिंग में आएगी. जैसे अभी लाइबा ऐसे कमेंट्स नहीं सुनने को मिले कि ये तो बेटी है, इसको तो ऑब्वियसली फैमिली वे पे जाना चाहिए, इसकी शादी कर देनी चाहिए इसको. आई मीन फादर की सपोर्ट इतनी ज़्यादा थी कि कोई बंदा नोबडी हैज डेयर टू डू सो. एक जब बेटी होती है उसके पीछे जब उसके फादर होते हैं तो कोई इतनी हिम्मत नहीं करता कि वो उसको चैलेंज कर सके. बेशक बेशक ऐसा ही है. ये आपको एक बहुत बड़ा एज था कि योर फादर वाज ऑलवेज बीन देयर, वरना तो यही होता है कि बस अब इतना और इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है कि माशाल्लाह शी इज एक्सपेंडिंग ईच एंड एवरीथिंग. जब आपने अपनी टीम डेवलप की, सिंस यू हैव टोल्ड अस कि आपको खुद काम आता था इसलिए यू आर एबल टू गिव डायरेक्शंस टू योर टीम वेरी वेल, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप वापस जाएं और कोई चीज़ अंडू करें उस वक्त के लिहाज से, तो व्हाट विल बी दैट?
अंडू तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, इनफैक्ट आई विल एक्सपैंड माय बिजनेस. राइट. उसके अलावा देखो, ऐसी चीज जो आपको लगता है बिकॉज नाउ यू हैव लर्न, नाउ यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसके लिहाज से आप सोचें. हाँ, अगर उस वक्त ऐसे जब आपने स्टार्ट लिया होगा, अगर उस वक्त मुझे ये चीज़ उस वक्त पता होती तो शायद ये चीज़ मैं उससे भी ज़्यादा जल्दी कर सकती. उसमें टीम लीडिंग थी. राइट. अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत बेहतर तरीके से पहले कर लेती. व्हेन आई स्टार्टेड मेरे पास टीम थी 3 to 5 पर्सन की. राइट. और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ टीम ऑफ 25 पर्सन. ओ अमेजिंग. और उसके अलावा एक चीज और है कि हम यहाँ पे अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में डिजर्विंग. ओह दिस इज आई मीन अमेजिंग. अलाउंस भी देते हैं, फ्री लैपटॉप्स देते हैं, ठीक है, उनको अपने पास बिठा के ट्रेन करवाते हैं मार्केटिंग एजेंसी में. कोई थ्योरी क्लासेस नहीं होती, लाइव प्रोजेक्ट्स पे उनको ट्रेन किया जाता है. Amazing. और उसके अलावा ये होता है कि जो बैचलर्स कर चुके हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, डिग्रीज हैं लेकिन स्किल नहीं है. बिल्कुल. ठीक है, तो हम उनको स्किल प्रोवाइड करते हैं कि आप स्किल के थ्रू आगे जाओ. अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रही, आप हमारे पास आओ, हम आपको फ्री कोर्सेज करवाएंगे, आपको लैपटॉप्स प्रोवाइड करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे फुल, और आपका जो ट्रेवलिंग अलाउंस है उसको भी हम आपको पे करेंगे. क्या फीलिंग्स होती हैं? आई मीन हाउ दिस आइडिया अकर टू यू एंड यू थॉट, क्योंकि ये सब ब्रिलियंट. जबरदस्त. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह के बिजनेस तो चलते हैं, और जितना हमारे रिस्क लिखा हुआ है वो तो हमें मिलना है. तो उसके अलावा दुनिया को देखा जाए तो साथ आखिरत को भी देखना चाहिए, और उन बच्चों के लिए जो नहीं कुछ कर रहे उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए. ज़बरदस्त. लाइबा, लाइबा इंटरनेशनली इस चीज़ को, जैसे हम दुबई पे तो यू हैव ऑलरेडी टेकन इट देयर, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाने का कोई इरादा है? यूके में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है. राइट. ठीक है, उधर हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी कर रहे हैं. हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, हमारे पास नंबर्स, एवरीथिंग इज़ रेडी नाउ. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे यूके की. कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो, कि आपको लग रहा हो कि उफ़ अल्लाह ये अब मैंने क्या मतलब पंगा ले लिया और ये मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं? मतलब कभी कभी होता है ना कि लोग पेशेंस लूज कर जाते हैं, कि बस उनका दिल करता है आज हमने रजिस्ट्रेशन कराई है, अमाउंट पे किया या वॉट एवर, अब एकदम से ड्रास्टिकली हमें रिजल्ट्स आने शुरू. तो हाउ यू कोप विद दैट, बिकॉज यू आर वेरी हम्बल एंड यू स्पीक वेरी पोलाइटली एंड समटाइम्स यू हैव टू बी लाइक वेरी अफर्मेटिव इन योर टोन्स. हाउ डू यू कोप विद दैट? उसमें ये होता है कि हमें पेशेंस तो रखने पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर क्लाइंट की नेचर डिफरेंट होती है. बिल्कुल. कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनको काम टू द पॉइंट चाहिए होता है, इनफैक्ट एक्स्ट्रा चाहिए होता है. बिल्कुल. तो क्लाइंट्स के साथ तो मैं बहुत पोलाइट हूँ, उनको बहुत एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे देती हूँ कि क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई रहे. Right. क्लाइंट सेटिस्फाई रहेगा तो कंपनी ग्रो करेगी. चलें, ये एक और की है कि यू हैव टू बी वेरी पेशेंट पोलाइट एंड यू मे कम अप विद एक्स्ट्रा सर्विसेज. आई मीन मार्केटिंग की हमारी बड़ी वो हो रही है, ओरिएंटेशन हो रही है लाइबा से बात कर करके. ज़बरदस्त. चल लाइबा, अगर ये काम आप ना स्टार्ट करी होती बिकॉज यू नो यू स्टार्टेड डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ योर फादर व्हाट आई एम रिसीविंग, तो कोई और काम करती तो वो क्या होता? वो इंटीरियर डिज़ाइनर से रिलेटेड होता. राइट. मेरी डिग्री जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की है. ओके. डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सब कुछ जो है ये मैंने अपनी मेहनत से, डिप्लोमास करके, यूट्यूब पे रिसर्च करके और इन चीज़ों से सीखा है, और इतना सीखा है कि मैं समझती हूँ यूट्यूब इज़ योर बेस्ट टीचर. उधर से आप सब सीख सकते हो, आपको हर चीज़ यूट्यूब पर मिल सकती है, और जो चीज़ें आपको यूट्यूब सिखाता है वो कोई और नहीं सिखाता. ज़बरदस्त. लाइबा, कोई मैसेज देना चाहे हमारे यूथ के लिए जो भी आपको देख रहे हैं? डिजिटल की तरफ आएँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो इरा है उसमें यही है कि आप डिजिटलाइज होने वाले हैं, हर चीज़ डिजिटलाइज होने वाली है. ठीक है, उसमें यह है कि आपको हर चीज़ जो है वो डिजिटली करनी है. ठीक है, उसके बाद इसका जितना स्कोप है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ठीक है, अगर बात की जाए डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो नॉर्मल हर बंदा करता है और शुरू से करता आ रहा है. बल्कि अब उस फील्ड में भी आई हैव सीन हर चीज़ जो है वो इक्विपमेंट बेस्ड होती जा रही है. आपकी ज़्यादा नॉलेज हो और फिर आपने हर चीज़ एक स्पेसिफिक मशीनरी पर ऑपरेट करनी है, और फिर आप इतनी एक्सपेंसिव डिग्रीज करके और बाद में जॉब आपको 70, 60, 40 इससे ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं ऑफर होती. ठीक है, तो बेटर ये है कि आप डिजिटल की तरफ आओ, डिजिटल मार्केटिंग करें. ठीक है, और बाहर जाएं जहां मर्जी पे करें. ठीक है, थैंक यू सो मच लाइबा फॉर कमिंग हियर टुडे एंड स्पीकिंग टू अस. यू हैव ओपन अ न्यू एवेन्यू फॉर अस.